हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत। आज कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। तो गाइस, इंडिया में केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कोविड-19 के। आप लोग अपने घर पर रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें। अब बात कर लेते हैं कि DU की साइट के ऊपर और जो साइट है SOL की, वहाँ पर एक नोटिस आया है कि आप सबके जो एग्जामिनेशन है, क्या वो पोस्टपोन होने चाहिए या फिर उसको कहते हैं आगे के लिए, मतलब कहते हैं कैंसिल कर देना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि ड्यूटा की तरफ से और भी कहते हैं स्टूडेंट्स ने, कहते हैं रिक्वेस्ट करिए कि अभी के लिए जो एग्जाम्स है 15 मई से, इसको कहते हैं पोस्टपोन कर दिया जाए। ये वो ऑफिशियल नोटिस है जो आया, आपका DU की साइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। ये नोटिस कहते हैं कल ही आ चुका है, लेकिन इसका रीज़न ये था, मैंने अपलोड नहीं की वीडियो, क्योंकि कहते हैं बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन 15 मई से होना चाहिए। अब देखिए, आप भी समझते कि पूरे इंडिया में कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। अब हर बच्चा कहते हैं एक समय इस समय सही नहीं है, ठीक है। आप भी समझते हैं कि कुछ बच्चे बीमार भी होंगे, कुछ कोविड पॉजिटिव भी होंगे। तो ऐसा होना चाहिए कि या तो जो एग्ज़ाम्स आपके होंगे वो दो फेज में आपके ओपन बुक एग्ज़ाम हो जाए। फर्स्ट फेज़ आपका 15 मई से हो जाए, सेकेंड फेज़ आपका लगभग 1 या 2 महीने बाद का वो रख लें, ताकि जो बच्चे इस बार एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे वो आगे सेकेंड फेज़ में अपना ओपन बुक एग्ज़ाम दे दें। क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय दिल्ली में लॉकडाउन है, और इस वजह से कहते हैं कोई भी बच्चा कहते हैं बाहर से जाके ना कोई A4 शीट्स परचेज कर सकता, और जिनके पास कहते हैं फ़ोन नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, वो कोशिश करते हैं कि कैफ़े जाके कहते हैं PDF फाइल अपलोड करवा दें। तो दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, और ऐसा नहीं कि जो लॉकडाउन सिर्फ इंडिया के अंदर है और सिर्फ दिल्ली के अंदर है। लॉकडाउन कहते हैं बहुत ज़्यादा जगह आ चुका है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि एग्ज़ाम दो फेज में हो जाए। इसके साथ साथ एक दिक्कत ये भी है कि इस साल DU ने बुक्स प्रोवाइड नहीं करी थी, SOL ने, सॉरी, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई बुक्स नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए। हालांकि हमने कहते हैं प्रोवाइड करे हैं नोट्स, लेकिन कहते हैं फिर भी बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कहते हैं हमने कहते कवर नहीं करे हैं। अब उसके लिए उनको कहते हैं बुक्स परचेज करनी पड़ेंगी मार्केट से। सही, प्रॉपर तरीके से दोनों पक्षों को कहते ध्यान रखें कि एग्ज़ाम होंगे तो क्या दिक्कतें होंगी, एग्ज़ाम अगर नहीं होंगे तो क्या दिक्कतें होंगी। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें आगे कहते हैं फर्दर स्टडीज़ करनी है, मास्टर्स करनी है, या उनके कहते हैं कुछ प्लान्स आगे के लिए, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वैसे कहते हैं कोविड है, अगर एग्ज़ाम्स लेट होंगे, रिजल्ट्स लेट आएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और बहुत से फॉर्म्स कहते हैं निकल जाते हैं बच्चों के, तो ये दिक्कत रहती है SOL में। तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम पोस्टपोन ना होने चाहिए। जो बच्चे कहते हैं कंपैटिबल है, जो बच्चे चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम दे पाएँ, और जिनके पास कहते हैं अच्छे सोर्सेज हैं, जिनको कहते हैं बुक्स हैं, वो एग्ज़ाम दे दें 15 मई से। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा होना चाहिए। अभी के लिए हमें कहते हैं ऑफिशियल नोटिस का वेट करना होगा, जो कि आपका SOL और DU के साइड पर रहेगा। अभी के लिए आपके 15 मई से ओपन बुक एग्ज़ाम हो रहे हैं, कोई नोटिस नहीं है कि एग्ज़ाम आपके कहते कैंसिल हो चुके हैं। और कहते हैं कोई भी कहते वीडियो पर विश्वास ना करें कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, जब तक कहते हैं कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आता। तो ये बातों का ध्यान रखें, और कोशिश करें कि आप सभी लोग अपने घर पर हैं, क्योंकि कहते हैं केसेस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। कहीं पर भी कहते हैं दिल्ली में कहते हैं बेड्स अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में, तो सावधान रहें, प्रिकॉशंस को कहते हैं यूज़ करें, और कहते हैं जब भी कहते हैं घर के बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएँ। तो गाइस, यही था आज की वीडियो में। आई होप कि आप सबके जो भी डाउट्स थे वो आपके सभी डाउट्स दूर हो चुके हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।